प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है x/a - y/b = 0। ये पहला समीकरण हो गया, समीकरण एक, और ax + by = a²+b²। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से VVI है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि या तो आप एक्स चर वाले को समान करें या वाई चर वाले को। पहले देखना है कि एक्स चर वाला पद दोनों समान है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ y/b है और यहाँ पर by है, ये समान कैसे होगा। अब आप देखिए यहाँ by है, यहाँ भी by होना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे एक b है, यहाँ पर दो b यदि होगा तो एक b कट जाएगा और एक b बचेगा, अर्थात आपको समीकरण एक में b² से गुना करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, b² से गुना कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप b² से गुना करेंगे और इसमें एक से गुना करेंगे। अब आप देखिए इसको गुना करते हैं, हम किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अब देखिए b² से जब आप इसमें गुना करेंगे तो x में गुना होगा, नीचे वाले में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा b²x/a। क्लियर हो गया, माइनस। उसके बाद देखिए इसमें जब हम b² से गुना करेंगे तो ये आपको हम रफ में समझा देते हैं। देखिए b² y है, बटे में b है, तो b² का मतलब दो b है और एक b, एक b और ये कट जाएगा तो by बचेगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा by। कैसे हो गया वो मैं समझा दिया हूँ, बराबर 0। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। अब देखिए एक से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा ax + by = a²+b². देखिए इजी स्टेप में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए हमारा ये y चर वाला पद जो है ये दोनों समान हो चुका है। अब इस यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखना है दोनों का चिन्ह समान है या असमान। दोनों का चिन्ह असमान है इसलिए चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये by और by दोनों खत्म हो गया, कट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है b²x/a + ax। क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बटा में कुछ नहीं है तो एक है, इधर देखिए ये तो 0 है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे लिखेंगे a² + b², ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब आप देखिए ये दोनों, इसको आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे a और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो a होगा, a से a में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा b²x। अब देखिए 1 से a में भाग देंगे तो a होगा, a गुना a² हो जाएगा a²x बराबर इधर है a²+b², ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b²+a²/a, इधर बराबर में हो जाएगा a²+b². देखिए अब एक भिन्न इधर हो गया और एक भिन्न इधर है, तो यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। तो कोना कोनी गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x into b²+a²/, यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो a² + b², ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x रखेंगे, ये इस साइड आएगा तो बटम हो जाएगा, तो हो जाएगा a² + b²/, यहाँ पर b² + a² है, दोनों प्लस में है तो इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इस तरह से हो गया, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तब x = क्या निकल गया, a।
ठीक है। एक्स का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, एक्स का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण, अब देखिए यहाँ पर हम समीकरण एक उतार चुके हैं, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, अब यहाँ पर ऐसे उतार लिए हैं, अब एक्स के जगह पर हम एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू ए निकला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बटा ए लिखेंगे माइनस वाई बटा बी बराबर जीरो। अब देखिए ये ए बटा ए कट गया और यहाँ पर एक हो गया, तो एक बटा एक क्या हो गया, एक माइनस वाई बटा बी इक्वल टू जीरो। अब इस वन को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस वाई बटा बी बराबर, यह वन प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, अब यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक है और इसको हम कोना कोनी गुना कर देंगे। तो जब हम कोना कोनी गुना करेंगे तो वाई इंटू वन वाई हो जाएगा और वन इंटू बी बी हो जाएगा, यानी वाई बराबर बी निकल गया। क्लियर, इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो गया, एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एक दो बार प्रश्न को सॉल्व कीजिए यह, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।